श्री विष्णु पुराण। नारायणं नमस्कृत्ये नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए QR कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है। अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। ग्रंथ का उपोद्घात श्री सूत जी कहते हैं, मैत्रेय जी ने नित्य कर्म से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद, वेदांग और सकल धर्मशास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे होगा, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है, यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है, यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार देवता आदि के वंश, मनु, मन्वंतर, चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवऋषि और राजऋषियों के चरित्र, श्री व्यासीकृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम के धर्म, ये सब हे महामुनि शक्तिनंदन, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसाद उन्मुख कीजिए, जिससे हे महामुनि मैं आपकी कृपा से ये सब जान सकूं। श्री पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया, इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है तो मुझको बड़ा भारी क्रोध आया। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं, अब उसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है, तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है। भला कौन किसी को मारता है, पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे विप्रवर, यह क्रोध तो मनुष्यों के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सर्वथा त्याग करते हैं, इसलिए तू इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं, अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया।
इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त जी वहां आ पहुंचे। हे मैत्रे, पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैर भाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे, तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्त और निवृत्त अर्थात भोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। पुलस्त जी के इस प्रकार कहने के अनंतर फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रे, इस प्रकार पूर्वकाल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है, अतः हे मैत्रे, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उसे भले प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता हैं, और यह जगत भी वे ही हैं। श्री पराशर जी बोले, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण है, तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एकरस सर्वविजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्ममय हैं, अव्यक्त कारण एवं व्यक्त कार्य रूप हैं, तथा अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण हैं, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व रूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के मूल कारण है, उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी है, जो परमार्थ अर्थात वास्तव में अति निर्मल ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं, तथा जो काल स्वरूप से जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं, उन जगदीश्वर अजन्मा अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्सु को सुनाया था, और पुरुकुत्सु ने सारस्वत से तथा सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो पर अर्थात प्रकृति से भी परे परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप वर्ण नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म वृद्धि परिणाम क्षय और नाश इन छह विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं, तथा जिनके लिए वह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है, इसलिए ही विद्वान जिसको वासुदेव कहते हैं वही नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय एक रस और हे गुणों के अभाव के कारण निर्मल पर ब्रह्म है, वही इन सब व्यक्त अर्थात कार्य और अव्यक्त अर्थात कारण जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप से स्थित है। हे द्विज, पर ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त
अर्थात प्रकृति और व्यक्त मेहदादि उसके अन्य रूप हैं तथा सबको क्षोभित करने वाला होने के कारण काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे है तथा जिसे पंडित जी नहीं देख सकते हैं वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष व्यक्त और काल ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन के कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं इसे उनकी बालवत क्रीड़ा ही समझो। उनमें से अव्यक्त कारण को जो सदस्त्रुप अर्थात कारण शक्ति विशिष्ट और नित्य अर्थात सदा एक रस है श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान और सूक्ष्म प्रकृति मानते हैं। वह क्षय रहित है उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा अप्रेम में अजर निश्चल शब्द स्पर्शादि शून्य और रूप आदि रहित वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि काल तक उसी से व्याप्त है। हे विद्वन श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति परायण ब्रह्मवेता महात्मागण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक हैं। इस निम्नलिखित श्लोक को कहा करते हैं उस समय अर्थात प्रलय काल में न दिन था न रात्रि थी न आकाश था न पृथ्वी थी न अंधकार था न प्रकाश था और न इनके अतिरिक्त कुछ और ही था बस श्रोत्र आदि इंद्रियां और बुद्धि आदि का अविषय तथा प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे विप्र विष्णु के परम उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों अर्थात सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में वह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज काल रूप भगवान अनादि हैं इनका अंत नहीं है इसलिए संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते वे प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय प्रलय काल में प्रधान अर्थात प्रकृति के साम्यवस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप इन दोनों को धारण करने के लिए प्रवृत्त होता है। तदनंतर स्वर्गकाल उपस्थित होने पर उन परब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको क्षोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी ग्रंथ अपनी सन्निधि मात्र से ही मन को क्षोभित कर देता है उसी प्रकार परमेश्वर अपने सन्निधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण वह पुरुषोत्तम ही इनको क्षोभित करने वाला है और वे ही क्षुब्ध होते हैं तथा संकोच अर्थात साम्य और विकास अर्थात क्षोभ युक्त प्रधान रूप से वे ही स्थित हैं। ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु ही समष्टि व्यष्टि रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महतत्व रूप से स्थित है। हे द्विजश्रेष्ठ स्वर्गकाल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्यवस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महातत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महतत्व सात्विक राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का है किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से
संभाव से ढका रहता है, वैसे ही ये त्रिविध महतत्व प्रधान तत्व से सब ओर व्याप्त है। फिर त्रिविध महतत्व से ही वैकारिक अर्थात सात्विक, तेजस अर्थात राजस और तामस भूतादि तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुनि, यह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है, और प्रधान से जैसे महतत्व व्याप्त है वैसे ही महतत्व से वह अहंकार व्याप्त है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया, फिर शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा को रचा। उस स्पर्श तन्मात्रा से बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत किया, फिर स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। रूप तन्मात्रा युक्त वायु से तेज उत्पन्न हुआ, उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया, फिर रूप तन्मात्रामय तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की। उस रस तन्मात्रा रूप से रस गुण वाला जल हुआ। रस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रा में तेज ने आवृत किया। रस तन्मात्रा रूप जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की, उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई जिसका गुण गंध माना जाता है। उन सब आकाश आदि भूतों में तन्मात्रा है, अर्थात केवल उनके गुण शब्द आदि ही हैं, इसलिए वे तन्मात्रा अर्थात गुण रूप ही कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा मूल नहीं है, अर्थात उनका सुख दुख या मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अंधकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रियां तेज से अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन अर्थात वैकारिक सात्विक है। हे द्विज, त्वक, चक्षु, नासिका, जीवा और क्षोत्र, यह 5 बुद्धि की सहायता से शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 इंद्रियां हैं। हे मैत्र, पायु अर्थात गुदा, उपस्थ अर्थात लिंग, हस्त, पाद और वाक, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनके कर्म मल मूत्र का त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत उत्तरोत्तर अर्थात क्रमशः शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। ये 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख, दुख और मोह युक्त हैं, अतः ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां हैं, अतः वे परस्पर पूर्णतः मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सकते, इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धे, जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बड़ा हुआ यह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म अर्थात हिरण्यगर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ।
उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्य गर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्य गर्भ का सुमेरु उलप गर्भ को ढकने वाली झिल्ली अन्य पर्वत जरायु गर्भाशय तथा समुद्र गर्भाशयस्थ रस था। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और द्वीपादि के सहित समुद्र ग्रहगण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुआ। वह अंड पूर्व पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुण अधिक जल अग्नि वायु आकाश और भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है तथा भूतादि महतत्व से घिरा हुआ है और इन सब के सहित वह महतत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कालांत पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तम प्रधान रुद्र रूप धारण करके वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करते हैं। वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। जगने पर ब्रह्म रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव इन 3 संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु सृष्टा अर्थात ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक अर्थात शिव तथा स्वयं ही उपसंग्रहित अर्थात लीन होते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है, क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्वरूप और सब भूतों के अंतरात्मा है। इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी उन्हीं के उपकारक हैं। अर्थात जिस प्रकार ऋत्विजों द्वारा किया हुआ हवन यजमान का उपकारक होता है, उसी प्रकार परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं की उपकारक है। वे सर्वस्वरूप श्रेष्ठ वरदायक और वर्णे अर्थात प्रार्थना के योग्य हैं। भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं और वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं और वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही संग्रहित होते हैं। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया